असल एंड वेलकम टू टू नाइट विद नरम सेठी मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नरम सेठी साहब नाजरीन कहा अगर ये कहा जाए कि इस साल का सबसे पहला बुरा तोहफा मिला है गवर्नमेंट को तो वो आज मिला है एनआरओ की डिटेल जजमेंट के ऊपर जिसके अंदर क्लियर रेफरेंसेज भी दिए गए हैं कुछ फॉरन जजमेंट्स को जिनके हवाले से कहा गया है कि फिलिपीन के प्रेजिडेंट का नाइजेरिया के प्रेजिडेंट का उन्होंने भी इसी तरह पैसा इकट्ठा किया था और वो मौजूद था फॉरन अकाउंट्स में स्विस अकाउंट्स में जिसको कि वापस करना पड़ा था स्विस गवर्नमेंट को अब यह क्या रेफरेंस इसकी क्या जरूरत पेश आई सुप्रीम कोर्ट को इस डिटेल जजमेंट में देने की आर्टिकल 63 के हवाले से क्या इंप्लीकेशन हैं इस डिटेल जजमेंट के पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे आज हम इस प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे से. आपने दो दिन पहले कहा था कि अगले तीन चार दिन बड़े कंक्लूसिव होंगे, होंगे और पता लग जाएगा क्या होने वाला है तो ये डू यू कंसिडर कॉफन मेरा ख़्याल है कुछ ऐसे ही लगता है उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा जब शॉर्ट जजमेंट आई थी इनफैक्ट शॉर्ट जजमेंट के आने से पहले कुछ लोगों ने तबसरा किया था जिसमें हम लोग भी शामिल थे हमने प्रडिक्ट किया था कि किस किस्म की जजमेंट आएगी और उसका क्या असर पड़ेगा जरदारी साहब के ऊपर और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर और गालबन वैसे ही हुआ उसके बाद जब हमने देखा शॉर्ट जजमेंट में कुछ आर्टिकल्स का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो हम हैरान हुए परेशान भी हुए और फिर समझ भी आ गई कि हुआ क्या और होने क्या जा रहा है गालबा उसमें एक दो आर्टिकल्स बहुत अहम थे जिसकी तो नहीं थी कि उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मगर सुप्रीम कोर्ट जब गई तो फिर हमें यह एहसास हो गया कि शायद ये एन जजमेंट जब डिटेल में आएगी तो वो एक रास्ता एक दरवाज़ा खोलेगी एक और जजमेंट जो इसके बाद आएगी उसके लिए रास्ता बनाएगी और वो था आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 जिसके तहत वो कौन से लोग हैं किस किस्म की क्वालिफिकेशंस हैं जिसके तहत वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकते हैं क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस और उसमें कुछ है क्वालिफिकेशंस और कुछ है डिसफिकेशन्स और जो डिसकॉलीफिकेशन्स हैं वो ज़्यादा अहम है क्वालिफिकेशन है जिसमें मोरालिटी के कोई अच्छा आमीन होना चाहिए वाइज आदमी होना चाहिए सगेशस होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो इस किस्म की चीज़ें और हमारा ये ख्याल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्टिकल का हवाला दिया है शॉर्ट जजमेंट में तो अगर डिटेल जजमेंट में इसमें वजात की गई तो इसका असर ज़रूर प्रेसिडेंसी के ऊपर पड़ सकता है क्योंकि कोई नई पटिशन आ सकती है जो ये कह सकती है कि इस जजमेंट के हवाले से प्रेजिडेंट साहब जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं है टू तो रिमेन प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं हालांकि प्रूव नहीं हुए मगर उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है और रेपुटेशन ठीक नहीं है और दुनिया समझती है कि रेपुटेशन ठीक नहीं है इस इसलिए आर्टिकल 63 की एप्लीकेशन होती है तो मैं ये समझता हूँ इस जजमेंट में अब वजात आ गई दो किस्म की एक ये कि उन्होंने सिक्सटी का हवाला तकड़ा हवाला दिया और कहा है कि मॉरेटी को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं किया जा सकता बड़ा सख्त स्टेटमेंट है ये और यही सिक्सटी कहता है और सिक्सटी टू ये कहता आर्टिकल कि मोरलिटी को नहीं किया जा सकता नंबर दो उन्होंने जो हवाला दिया है फिलिपींस का और उन्होंने जो हवाला दिया है नाइजीरिया जागी। जागी। का कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो अपना पैसा बाहर ले गए थे इलीगल पैसा था करप्शन का, का पैसा था और वो पैसा भी वापस लाया गया अदालतों ने परस्यू किया उन बाद में जो हुकूमतें आई उन्होंने परस्यू किया स्विस अथॉरिटीज के साथ बात की एंड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स के बाद कुछ पैसा वापस लाया गया तो जाहिर है कि आपने देखा शॉर्ट ऑर्डर में भी ये हवाला था कि हुकूमत को हुआला स्विस गवर्नमेंट के साथ एप्लीकेशन देनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारा पैसा वापस लाया जाए जो कि के स्विस केसेस में बेनिजी भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब जिसमें मुलवस थे और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इंटरव्यू में मैंने दस दिन पहले यह सवाल जा, पूछा कि आप क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है तो उन्होंने कहा हम डिटेल जजमेंट की इंतजार कर रहे हैं फिर फैसला करेंगे तो लोग आज डिटेल जजमेंट आ गई उन्होंने आपको बता भी दिया कि कैसे हुआ पहले किस तरीके से आपको करना है और प्रेसिडेंस का हवाला भी आपको दे दिया अब सवाल यह है कि दो तरफ बहुत सख्त प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर इस जजमेंट के बाद एक पिटिशन यह जरूर आएगी यकीनी तौर पे आएगी कि 63 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट साहब को डिसक्वालीफाई किया जाए पहले स्पीकर के आगे एक एक जाए रेफरेंस स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली क्योंकि यही रास्ता है और उसके बाद अगर वो हाँ नहीं करती रिजेक्ट कर देती है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आए अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिजेक्ट कर देता है उस पिटिशन को तो फिर जाएगी वो हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में और जाहिर है आप सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना इरादा और आपको पहले ही बता दिया तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब के लिए इस जजमेंट के बाद एक बहुत सीरियस क्राइसिस सामने आ खड़ी है सेठी साहब आपने कहा सरदारी साहब के लिए क्राइसिस खड़ी है वो काफी एविडेंट है जो टेक्स्ट अभी तक हम पढ़ सके हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का अगर हुकूमत इसको इंप्लीमेंट करने में इन ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट के इस डिटेल जजमेंट को क्योंकि आप तो क्लियर रेफरेंसेस मौजूद हैं कोई इसमें डिले करती है या किसी किस्म की अब जिस तरह वो रिव्यू का अगर, अगर क्योंकि रिव्यू स्टे नहीं होता किसी स्टेज पर भी अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट स्टे ग्रांट करे रिव्यू के बेसिस के ऊपर वो इसमें डिले करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन में तो क्या हम फिर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक आर्टिकल एक 190 के जरिए फौज से मदद मांग सकती है देखिए वो बात अभी नहीं आई मेरा ख्याल है दो रास्ते हैं ना एक तो ये है कि वो आर्टिकल वन के तहत कहे कि जिस केसिस को प्रस्यू करें और वो कर नहीं रहे हैं वो और बात है ना वो तो डिले भी हो सकती है वो एक लेटर जा भी सकता है वो इशू नहीं है यहाँ इश्यू सिक्सटी थ्री का बनेगा पिटिशन आएगी कि प्रेजिडेंट साहब आमीन नहीं है इनको खत्म किया जाए ही कैनॉट सिट इन द प्रेजिडेंसी और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कह दिया है कि आर्टिकल 63 किसी वक्त भी अप्लाई हो सकता है वो जो प्रेसिडेंसी की तरफ से एक आ रहा हमेशा था के लिए कि अरे भाई अगर ये करना था तो उस वक्त करते जब मैं इलेक्शन पे आया था उस वक्त तो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो आप कैसे कर सकते हैं उन्होंने आपको जवाब दे दिया कि हम किसी वक्त भी इस आर्टिकल के तहत आपको चैलेंज कर सकते हैं तो इसलिए ये इश्यू बनेगा जिसकी बेसिस के ऊपर वो प्रेसिडेंसी के ऊपर हाथ रखे आसमा जहांगीर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक इंटरव्यू भी मैंने किया था शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से आसमा साहब जी आसमान साहबा कुछ दिन पहले भी आपने एक इंटरव्यू में आपकी शदीद रेजर्वेश्स थी आ, सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से आज ये डिटेल जजमेंट आ गई है और अब तक आई एम श्योर आप भी पूरा तरह तो उसे नहीं पढ़ सकी होंगी लेकिन जो भी हिस्सा आपने पढ़ा है जितना आपको मालूम है आप क्या कॉमेंट करेंगी इसके ऊपर देखिए पहली बात तो ये है कि जब तक मैं फुल जजमेंट ना पढ़ू मैं आप लोगों की तरह सहाफ़ी तो हूँ नहीं कि मैं कॉमेंट कर दू मैं एक वकील हूँ मगर मुझे एक बात बड़ी हैरानगी की लगती है कि एक तरीके से जजमेंट दी जाती है कि हमने जजमेंट रिजर्व कर ली लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो वेट करें फिर एक जजमेंट आ जाती है और वो रात के बारह बजे आए रात के ग्यारह बजे आए ये एक फुल जजमेंट को इस वक्त देना शाम के इस वक्त रात के इस वक्त देना एक बजाते खुद ही अजीब सी बात है कि लोग पढ़ सकें यह आफ्टरऑल पब्लिक नॉलेज की बात है आफ्टरऑल ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो कोई तरीका कार होता है कोई वक्त होता है जजमेंट देने का आप ये रात के अंधेरे में जो फुल जजमेंट देंगे तो वो फिर रात के अंधेरे वाली जजमेंट ही नजर आएगी आसमान साहबा ये बताइए अब आपने अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको इसके टाइम पर एक रिजर्वेशन है वो तो आपने जाहिर कर दी अब सवाल ये पैदा होता है हम तक भी जो अब तक इतलात मौजूद हैं हमारे पास जो पहुंची हैं उनमें ये कि दो फॉरेन जजमेंट्स जो हैं उनका हवाला दिया गया है एक नाइजेरिया के प्रेजिडेंट का और एक फिलिपीन के प्रेजिडेंट का रेफरेंस जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट्स का देती है तो क्या इम्प्लिकेशन ड्रॉ की जा सकती हैं उससे देखिए मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी है इसलिए मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने क्या हवाले दिए हैं और इतनी लंबी जजमेंट जाहिर है हम वकील भी जब पढ़ते हैं तो हमें भी काफी टाइम लगता है मगर इधर की बात करनी उधर की बात करनी देखे जजमेंट के एक तरीके कार होते हैं आप जजमेंट दें ओपन कोर्ट में दें ये क्या तरीके कार है ये सुप्रीम कोर्ट है या ये यहाँ पे कोई नाइट ऑफ द जनरल आ गई है आसम आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिया आसमा जहांगीर साहबा को सबसे पहले एतराज उन्होंने कहा जी, मैं जजमेंट के ऊपर तो कमेंट करूंगी नहीं क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है उनको जो सबसे बड़ा एतराज वो कहती है ये कौन सा वक्त है जजमेंट आने का ये अगर फैसला रात को आ रहा है तो ये फिर रात की तारीखी वाले फैसले होंगे

सिर्फ जो उन्होंने बड़ा एतराज है, तो है कवानी थे जो आर्टिकल थे उनको क्यों शामिल किया गया सिक्ष, टू, सिक्ष, यहां पर शेरी साहब एक ब्रेक लेनी है जब हम वापस आएंगे तो मजदीद मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि इस जजमेंट की पोलिटिकल इंप्लीकेशन भी काफी है नाजीन एक ब्रेक लेते हैं यहां पर हमारे साथ रहिएगा